ओम नमः शिवाय। कैसे हो मेरे सारे साथियों? बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। कोरोना की वजह से हम इधर-उधर हो गए थे, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है होमोलॉजी मॉडलिंग। कैसे हम यसारा में होमोलॉजी मॉडलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्रो। मैक्रो क्या होता है ये हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दोबारा से देना चाहूँगा। तो होमोलॉजी मॉडलिंग में सबसे पहले जो मैक्रो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ पे जाते, कहाँ जाके मिलता है, ये देखिए ऑप्शंस में जाकर के जब हम मैक्रो इन मूवी के अंदर जाते हैं, यहाँ पर प्ले मैक्रो का ऑप्शन रहता है। आपको याद होगा प्ले मैक्रो के अंदर जब हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैक्रोस हमें मिल जाते हैं। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो बेसिकली सेट ऑफ कमांड्स होता है, जैसे हमने पहले देखा था। तो मैक्रो के अंदर से हम होमोलॉजी मॉडलिंग कैसे करेंगे वो आज देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि मैक्रो क्या होता है। मैक्रो कुछ इस तरीके की फाइल होती है जिसके अंदर सारी एसआरआर के अंदर कमांड्स लिखी होती हैं, जो कमांड आपके उस पर्टिकुलर काम के लिए बनी होती है जो आपको चलाना है। जैसे आपको होमोलॉजी मॉडलिंग चलानी है तो उसके लिए एचएमबिल्ड नाम का एक मैक्रो है जिसके अंदर ये यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं। साइब्लास्ट क्या है, टेम्पलेट्स कितनी लेंगे, अलाइनमेंट कितनी होगी, ठीक है, ये सब ऑप्शंस यहाँ पर लिखे होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी लिखी होती है, नॉर्मली नो चेंज रिक्वायर्ड बिलो दिस पॉइंट। तो अगर आप स्पेसिफिकली अपनी तरफ से कुछ चेंज करना चाहते हैं, अगर खुद से कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हैं इस मैक्रो को, तो आप इस पॉइंट से नॉर्मली नो चेंज रिक्वायर्ड, इस पॉइंट से नीचे कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इसके नीचे सिर्फ कंप्यूटेशन की जो स्पेसिफिक कमांड्स हैं वो लिखी रहती हैं, इसके ऊपर जो भी हम चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये सारा मॉडलिंग के लिए दो तरीके के बेसिकली यहाँ पे मैक्रो होते हैं, एक होता है एच एम बिल्ड और दूसरा मैक्रो होता है एच एम बिल्ड फास्ट। तो दोनों ही मैक्रो में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एच एम बिल्ड फास्ट के अंदर यहाँ पर जो टेम्पलेट, नंबर ऑफ टेम्पलेट चूज करते हैं वो 3 हो जाती हैं, अलाइनमेंट सिर्फ 1 यूज किया जाता है, और हमारे पास जो स्पीड है वो घटा दी जाती है ताकि बढ़ा दी जाती है ताकि हम ज़्यादा जल्दी से इसकी हम टेम्पलेट की अलाइनमेंट करके मॉडल बना सकें। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लूप सैंपल सिर्फ यहाँ पे 25 लिया जाएगा। अगर हम इसी को कंपेयर करें एच एम बिल्ड से तो यहाँ पर टेम्पलेट 5 ली गई है, जैसे बताया ओलिगो स्टेट 10 है और अलाइनमेंट्स 5 है, यानी कि एक ही टेम्पलेट को लेकर के 5 टाइम्स वो अलाइन करेगा ताकि हमें एक बेटर और बढ़िया स्टेबल मॉडल मिल सके। यहाँ पर आप देखेंगे सेम लूप सैंपल्स में यहाँ पर 50 टाइम्स लूप चलाया जाएगा ताकि आपको बेटर रिफाइनमेंट का एक बढ़िया स्ट्रक्चर मिल सके। तो चलिए हम जिस प्रोटीन की बात करेंगे वो प्रोटीन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का RSHA एंटी सिग्मा फैक्टर RSHA प्रोटीन है। इस प्रोटीन के बारे में आप ज़्यादा जानकारी गूगल वगैरह से ले सकते हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम डायरेक्टली जंप करेंगे हमारे ये सारा पर। यहाँ पर हमें होमोलॉजी मॉडल बनाने से पहले कुछ बेसिक जो है वो तैयारी ये करनी पड़ती है कि जो भी हमने यहाँ पर सीक्वेंस लिया है, ये जो सीक्वेंस रहेगा इस प्रोटीन का, सीक्वेंस में जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं फास्टा फॉर्मेट, इसको पहले डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके हम इस तरीके से यहाँ पर सेव करेंगे इन वर्ड पैड या नोट पैड भी, किसी भी आप उसमें डाल सकते हैं टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पर आप इस ग्रेटर देन साइन के बाद ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको आप डिलीट करके यहाँ पर आप सिंपल प्रोटीन लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी सिंप्लिसिटी के लिए ये बहुत सिंपल रहेगा। प्रोटीन लिख के यहाँ पर इसको हम कंट्रोल एस करेंगे, जैसे ही ये सेव हो जाएगा, मैंने पहले से ये सेव करके रखा हुआ है फोल्डर के अंदर, ये देखिए प्रोटीन नाम से हमने एक फास्टा फाइल बना ली। एक बात और जो इस फाइल के अंदर दोबारा से खोल के बताता हूँ, यहाँ पर जो नया नेम रहेगा प्रोटीन, जैसे यहाँ पर नेम है तो मेन फाइल का नाम भी वही रहेगा प्रोटीन, ठीक है। और एक और बात, ये फास्टा फॉर्मेट में ही होना चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में कुछ लोग सेव कर लेते हैं फिर बोलते हैं कि यह सारा रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, वो नहीं, सिर्फ फास्टा फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो अब आप आ जाइए यह सारा पे, हम देखते हैं अब क्या करेंगे। हम सबसे पहले आपको पता है कि ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाके हम सबसे पहले सेट टारगेट करेंगे। सेट टारगेट में हमें वो टारगेट सेट करना होता है जिसको लेकर के हम आगे अपना काम करना चाहते हैं। तो सेट टारगेट में जैसे हम सेट टारगेट सेलेक्ट करते हैं, जब हम सेट टारगेट सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ऐसा ही ये ऑप्शंस खुल के आता है। यहाँ पे हमें अपने फाइल के अंदर जाना है जहाँ पर हमें हमने सेव किया हुआ है, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाएंगे। ये देखिए ये फाइल जो हमने सेव की थी वो फाइल हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पीछे से इसके डॉट फास्टा हम हटा देंगे। क्या करेंगे? डॉट फास्टा हटा देंगे और फिर ओके करेंगे। यहां पर आपका
टारगेट सेट हो गया, कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ चेंज आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका टारगेट सेट हो गया है। यानी कि जिस पर्टिकुलर टारगेट सीक्वेंस को लेकर के आप होमोलॉजी मॉडलिंग करना चाहते हैं वो ये सारा सॉफ्टवेयर ने सिलेक्ट कर लिया है। अब आप सिंपली मैक्रो एंड मूवी में जाकर के प्ले मैक्रो पर जाके क्लिक करके आपका जो पर्टिकुलर मैक्रो है, हमारा मैक्रो कौन सा है यहाँ पर, एच एम बिल्ड मैक्रो है। एच एम बिल्ड फास्ट भी है। अगर आपके पास टाइम कम है या आपके पास होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए टेम्पलेट और टारगेट का अलाइनमेंट फाइल वगैरह ये सब पहले से ही है, अच्छा है, जिसके ज़्यादा हमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, उसके लिए हम बिल्ड फाइल यूज़ कर सकते हैं, बिल्ड फास्ट। लेकिन हमें नहीं मालूम ये हमारा नया प्रोटीन है कैसा नहीं है, इसके लिए हमें एच एम बिल्ड लेना चाहिए, क्योंकि एच एम बिल्ड स्लो है तो उसके अंदर प्रॉब्लम के या फिर मिस्टेक के चांसेस कम रहते हैं। एच एम बिल्ड को सिलेक्ट करेंगे तो ओके करेंगे, जैसे ही हम इसको ओके करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एनालाइजिंग टारगेट सीक्वेंस एंड रिट्रीविंग टेम्पलेट स्ट्रक्चर्स। तो एज वी कैन सी यहाँ पर देख सकते हैं हम एनालाइजिंग टारगेट सीक्वेंस एंड रिट्रीविंग टेम्पलेट स्ट्रक्चर्स, यानी कि इंटरनेट एक और बार अगर आप होमोलॉजी मॉडलिंग बना रहे हैं, अपने मॉडल होमोलॉजी मॉडलिंग कर रहे हैं, अपने स्ट्रक्चर का कोई मॉडल बना रहे हैं, तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसके लिए आपको पहले से ही ये सारा की जो डेटाबेसेस होते हैं PSI डेटाबेस वगैरह वो सब आपको डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे अपने कंप्यूटर में। अगर वो आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपको ये सारा सही टेम्पलेट सेलेक्ट करके चूज करके आपको निकाल कर देगा। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ इशू क्रिएट कर सकता है या फिर एरर आपको शो कर सकता है। तो यहाँ पर रनिंग साइब्लास्ट टू बिल्ड PSSM, यहाँ पर जितनी साइब्लास्ट मतलब कि प्रोटीन का कितनी ब्लास्ट, कितनी बार वो ब्लास्ट चलाएगा टू फाइंड अ बेटर टेम्पलेट, अच्छा टेम्पलेट ढूंढने के लिए बार बार रिट्रीविंग मोड पे वो लूप के द्वारा आपका सर्च करेगा बढ़िया से बढ़िया टेम्पलेट जो जिसका स्कोर आपके टारगेट टेम्पलेट से मैच करता हो। उसके लिए हमारे पास ये बार बार ये लूप के अंदर ये प्रोसेस चलता है, देख रहे हैं आप 40%, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर इस दौरान आपको लगे कि आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है या कुछ और प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेट द प्रोसेस कंटिन्यू, इसको चलने दीजिए। थोड़े समय बाद ये देख रही है आप, ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे घूमता रहता है, ये घूम रहा है इसका मतलब कि आपका काम चल रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा, वरना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ी देर में फिर से वापस आते हैं। मित्रों वापस आते हैं, देखिए जैसे जैसे ये रनिंग साइड ब्लास्ट चलता जा रहा है, ब्लास्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इट इज़ प्रेडिक्टिंग टारगेट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेडिक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आपने आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें कुछ टेम्पलेट्स भी ऐसा ने फाइंड आउट किया है बैकग्राउंड में, जो टेम्पलेट का इवन आप PDB ID और उसका चेन नंबर भी हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5WUQC, तो सी यहाँ पर चेन ID है और 5WUQ PDB ID है। यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट टेम्पलेट स्ट्रक्चर्स जो भी SRR को मिल रहे हैं ड्यूरिंग द साई ब्लास्ट वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रोसेस जैसे जैसे कंप्लीट होगा हमारे पास हो सकता है और भी कई टेम्पलेट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमें मिले, देखते हैं ये कब तक कंप्लीट होता है। इसी दौरान आप यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में जिस फोल्डर में हमने अपनी फाइल्स रखी थी उसमें यहाँ पर नई फाइल्स बननी शुरू हो गई हैं, यहाँ पर प्रोटीन नाम से और डिफरेंट फाइल्स बननी शुरू हो गई हैं। प्रोटीन नाम से ही सारी फाइल बनेंगी क्योंकि हमारा जो इनिशियल फाइल नेम है वो हमने प्रोटीन रखा है, इसलिए बाकी सारी फाइल नेम्स भी प्रोटीन से ही रहेंगी। यहाँ पर आपको जो जो टेम्पलेट्स अभी तक SRR ने फाइंड आउट किए हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, YOB फॉर्मेट में या सारा ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे नई नई फाइल्स बनती रहेंगी वो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते रहेंगे इस पर्टिकुलर फोल्डर में। तो जैसा कि हमें याद हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी ब्लास्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मॉडलिंग शुरू हो चुकी है। जो पहला टेम्पलेट चूज़ किया SRR ने अपनी ऑटोमेटेड मोड से, उसके अंदर अभी ये देखिए आप साइड चेंज ट्यून हो रही हैं, एनर्जी मिनिमाइज हो रही है, ये ऐसे ही अब ये स्टेप चलेगा। जितनी भी टेम्पलेट्स SRR सॉफ्टवेयर ने ढूंढी हैं जो कि हमारे टारगेट सीक्वेंस से मैच करती हैं, उन सभी टेम्पलेट्स का यहाँ पर मॉडल बनेगा। अगर अलाइनमेंट मिनिमम अलाइनमेंट हमने यहाँ पर 5 रखी हुई है तो हो सकता है कि ये 5 अलाइनमेंट के बेस पर स्ट्रक्चर बनाए या 2 पर बनाए या 3 पर बनाए, दैट सॉफ्टवेयर विल डिसाइड इटसेल्फ।
यहाँ पे एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर का बहुत बढ़िया है, मैं सबको रिकमेंड करूँगा अगर आप थोड़ा सा फंड है आपके पास, क्योंकि यह सारा सॉफ्टवेयर कमर्शियल है, फ्री नहीं है, लेकिन ये सस्ता है और बाकी सॉफ्टवेयर्स के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। और ग्राफिक्स आप देखिए कितने बेहतरीन हैं, आपको इस पर बहुत ही मज़ा आएगा काम करते हुए साइड बाय साइड। और मोर ओवर यहाँ पर सब चीज़ आपको ग्राफिकली सामने दिखती है, मॉडलिंग कैसे हो रही है, अब यहाँ पर मिनिमाइजेशन कैसे हो रहा है वाटर सेल के अंदर, यहाँ पर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कलर चेंज करता है, यानी कि जब जो फिक्स हो जाता है एटम फिक्स करता है मिनिमाइजेशन के दौरान, उसको यहाँ पर येल्लो कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बहुत बढ़िया यहाँ पर मॉडलिंग प्रोसेस ग्राफिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि बाकी सॉफ्टवेयर्स में मुझे कहीं देखने को मिला नहीं। तो इस सॉफ्टवेयर में ये खास बात है कि आप जिसे कहते हैं ना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का सही इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, अच्छे से किसी भी प्रोसेस को समझाने और बताने के लिए आपको पता चलेगा आपकी आंखों के सामने किस तरीके से मॉडलिंग हो रही है, कौन सा लूप ऐड हो रहा है, कौन सा रेजिड्यू म्यूटेट हो रहा है या फिर एनोटेट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप, ये प्रोसेस है आपका हाई रेजोल्यूशन पिक्चर बनाने का। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो हमारे पास टेम्पलेट है उस पर काम हो रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक 3 टेम्पलेट्स चूज़ किए गए हैं, तो आप ऐसे ही थोड़ी देर इसका मज़ा लीजिए मॉडलिंग प्रोसेस का। ये यहाँ पर हमारा ये देखिए ऑप्टिमाइजिंग लूप ऑफ मॉडल 2, यहाँ पर टोटल 4 आई थिंक ये मॉडल बनाएगा जिसके अंदर से सेकेंड मॉडल ऑप्टिमाइज हो रहा है। इवन यू कैन ऑब्जर्व सिंगल सिंगल रेजिड्यू भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्टिमाइज होता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे ये मॉडल बनके कंप्लीट होता है, लास्ट में एक प्रोसेस होता है सिमुलेटेड एनीलिंग मिनिमाइजेशन का। उस दौरान सॉफ्टवेयर हमारा जो मॉडल बना है उसको एनर्जेटिकली मिनिमाइज करता है, उसको उसकी नेटिव स्टेट में लाने के लिए। नेटिव स्टेट हम सभी जानते हैं प्रोटीन में क्या होती है, वो स्टेट जहाँ पर एनर्जेटिकली प्रोटीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और कोई भी उसके अंदर डिफॉर्मिटी नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पर स्टीपेस्ट डिसेंट मिनिमाइजेशन हो रहा है, वाटर डाल करके उसके अंदर वाटर का शेल बना के इसके अंदर सॉल्वेंट के इफेक्ट में प्रोटीन को मिनिमाइज किया जाता है, सो दैट उसके अंदर कोई भी स्टेरिक क्लैशेज या कोई भी हिंड्रेंस ना हो एट द एंड ऑफ द होल प्रोसेस। ये थर्ड स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज हो रहा है, पहले साइड चेन रेजिड्यूज ऐड किए जाते हैं, फिर उनको ऑप्टिमाइज किया जाता है। रोटामेरिक जो रोटामेरिक स्टेट्स होती हैं हर एक साइड चेन की, उसको सेट किया जाता है ट्यूबिंग साइड चेन। ग्राफिकली इतना बेहतरीन है कुछ कह नहीं सकते, मज़ा आता है, देखते रहो। चौथा मॉडल बनना शुरू हो गया है।
चौथे मॉडल में ये देखिए इस तरीके से जो मिसिंग लूप्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। ग्राफिकली कितने बेहतरीन तरीके से हम देख सकते हैं कि कहां पर कौन सा लूप ऐड हो रहा है, कहां पर कौन सा रेजिड्यू ऐड हो रहा है। इस तरीके की ऑब्जर्वेशन आपको दूसरे सॉफ्टवेयर्स में नहीं मिल पाती है, इसलिए यह सारा मुझे बाकी सॉफ्टवेयर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा लगता है। और ये इजी भी है, काफ़ी इजी है, ये समझने के लिए भी आसान है। आप खुद से जब इस पर काम करते हैं तो आपको इजीली आप इस पर काम कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैनुअली आप मॉडलिंग करें या फिर मैक्रो के थ्रू मॉडलिंग करें, ये कंपैरेटिवली बाकी सॉफ्टवेयर से बहुत आसान है और आउटपुट इसका बहुत अच्छा है। जहाँ तक अभी तक जितने भी मॉडल्स मैंने बनाए हैं ये सारा के थ्रू, इसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छे मॉडल्स मिले हैं जिनकी रामचंद्रन प्लॉट में जब हम एनालिसिस करते हैं पोस्ट मॉडलिंग एनालिसिस, उसके अंदर हमें डेविएशंस, ग्लिचेस और क्लैशेस वगैरह बहुत ही नेग्लिजिबल मिलते हैं। बहुत अच्छा अलाइनमेंट आता है और स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पर ये देखिए हमारा चौथा मॉडल भी बनकर तैयार हो गया है। अब ये सारे जितने भी मॉडल्स अभी तक इसने बनाए हैं उन सबको सुपर इम्पोज करेगा। सुपर इम्पोज करके एक लास्ट में हाइब्रिड एक मॉडल बनाया जाता है। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है, जितने भी बेस्ट पार्ट्स अभी जितने भी हमारे मॉडल बने हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 मॉडल्स यहाँ पर बने हैं, इनमें से कोई एक मॉडल जिसका क्वालिटी सबसे अच्छा रहता है उसको एज अ बेस बना करके यहाँ पर बाकी मॉडल्स में से जो उनके बेस्ट पार्ट्स हैं उनको पार्ट्स को ज्वाइन करके, सबको ज्वाइन करके एक हाइब्रिड मॉडल बनाया जाता है जिसका जेड स्कोर बहुत अच्छा होता है। बाकी सब मॉडल्स के कंपैरेटिवली उनका जेड स्कोर अच्छा होता है। जेड स्कोर क्या होता है, जेड स्कोर हमें बताता है अबाउट द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो कितना अच्छा है। एनर्जेटिकली, कन्फर्मेशनल वाइज, बायो फंक्शनैलिटी बेसिस पर भी हम पता लगा सकते हैं कि जेड स्कोर कितना अच्छा है। तो जेड स्कोर अगर बढ़िया होगा तो आपके प्रोटीन की क्वालिटी और उसका स्ट्रक्चर भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये देखिए हमारा लास्ट में हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनके तैयार हो रहा है। तो फाइनल जो आपका मॉडल होगा, जो आप चूज करेंगे, वो ये हाइब्रिड मॉडल होगा। यहाँ पर आप जैसे ही माउस को अपने ओवर करते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको एक छोटा सा हल्का सा पॉपअप विंडो टाइप का आता है जिसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। ये सीक्वेंस आपके प्रोटीन जो बन रहा है उसका सीक्वेंस है, जो आपने टारगेट सीक्वेंस डाला है ये वो सीक्वेंस है। ये आपका टेम्पलेट का सीक्वेंस नहीं होगा, ये टारगेट सीक्वेंस होगा। अभी मॉडलिंग प्रोसेस चल रहा है तो हम पूरी तरीके से पता नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर क्या प्रोसेस है। जब ये पूरा बन जाएगा तब हमें अच्छे से पता लगेगा। ये देखिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्यों ऐड हुए हैं, हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो भी टेम्पलेट या सारा यूज करता है फॉर मॉडलिंग, उस दौरान उस टेम्पलेट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ए को मॉडल करने के लिए बी टेम्पलेट लिया है, तो बी के अंदर जो भी को फैक्टर्स रहेंगे, कुछ लाइगेंड भी हो सकते हैं, क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, क्रिस्टलाइज्ड को क्रिस्टलाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो सब भी उस पर्टिकुलर मॉडल के साथ, सॉरी टेम्पलेट के साथ लिए जाते हैं टू मॉडल योर स्ट्रक्चर। हमारे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो सारे के सारे कंपोनेंट्स यूज़ किए जाएंगे ताकि हमें पता लगे कि क्या हमारे प्रोटीन में भी वो पर्टिकुलर लाइगेंड साइट अवेलेबल है जो हमारे टेम्पलेट में है या नहीं है। तो लाइगेंड साइट की मैपिंग के लिए और को फैक्टर्स कौन कौन से बाउंड हो सकते हैं उसके आइडिया के लिए सिर्फ वो सारी चीज़ें भी इसके साथ ही साथ मॉडल की जाती हैं, जो आप बाद में अपने हिसाब से उसे हटा सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो वो क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू आप उसे हटा सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा हाइब्रिड मॉडल बनकर तैयार हो गया है। ट्यूनिंग साइड चेन,
निसारा में खास बात यह है कि यहाँ पर आपको किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है बढ़िया पिक्चर्स बनाने के लिए, मॉर्फोलॉजी मॉडलिंग के लिए, डॉकिंग के लिए, सिमुलेशन के लिए, कोई भी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के कोई भी इन सिलिको प्रोसेस को आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। बहुत आसान है और किसी भी थर्ड पार्टी की सॉफ्टवेयर की आपको यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अगर देखें हमारे फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स बनी है, ये देखिए यहाँ पर इतनी सारी फाइल्स हमें अब मिल रही हैं। ये सारी फाइल्स डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हमें बताती हैं कि हमारे जो टारगेट प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीके से किन किन टेम्पलेट्स को लेकर के बनाया गया है। यहाँ 3HUG है, 5FRF है, 5WUQ है, इन सब टेम्पलेट्स को लेकर के यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये सारा पर वापस चलते हैं, सिमुलेटेड एनीलिंग मिनिमाइजेशन, ये थोड़ा और टाइम लेगा, एक दो मिनट और। इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है या कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में या कुछ प्रोसेस आपको नहीं आप पता कर पाए कि उसका क्या था, तो आप कमेंट्स में ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी आपको शंका है, कोई भी किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना है, कोई भी अगर आपको प्रोसेस में इशू आ रहा है तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल को ऑप्टिमाइज करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसके अंदर बाकी सब स्ट्रक्चर्स के कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं, तो एक एक कंपोनेंट को ऐड करके हमें देखना पड़ता है कि एनर्जी बढ़ तो नहीं रही, घट तो नहीं रही, तो जो भी मिनिमाइज स्टेट ऑफ एनर्जी का स्ट्रक्चर होगा वही स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें एंड में मिलेगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है ऑप्टिमाइज करने में। इवन दो तीन डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स भी यहाँ पर रन होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट 3-4 बार ये साइकिल रन हो रही है प्रोटीन ऑप्टिमाइजेशन की। फाइनल राउंड ऑप्टिमाइजेशन यहाँ ख़त्म हो चुका है और ये देखिए ये हमारे पास फाइनल हाइब्रिड हमारा मॉडल बनकर तैयार है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर हमारी जो पूरी रिपोर्ट है इस मॉडलिंग प्रोसेस की वो पूरी रिपोर्ट बनकर आती है HTML फाइल के तौर पर। भी ये खुलने में टाइम लेगा, वापस चलते हैं। ये देखिए फाइनल मॉडल हमारा हाइब्रिड मॉडल बनकर तैयार है, फाइनल ऑप्टिमाइज्ड मॉडल ऑफ आवर तो इंटरेस्ट। यहाँ पर हम सीक्वेंस को देखें तो एलानिन से लेकर के ये शुरू होता है और 101 तक यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अंदर जिंक एक एटम, जिंक एटम भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये जिंक एज एन एटम जैसे मैंने बताया था टेम्पलेट के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन को फैक्टर्स की, लाइगेंड्स की, मेटल आयंस की मिलती है वो सारी यहाँ पर एड ऑन की जाती है, तो यहाँ पर हमें एक मेटालिक आयन का कोऑर्डिनेशन मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए एलानिन 12 है, ये पहला रेसिड्यू है इस हमारे प्रोटीन का। दूसरा ये है आपका लास्ट प्रोटीन 101। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स सिग्निफाइज करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो डिफरेंट इसके अदर मॉडल्स में से कॉपी किए गए हैं। ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला आपका पेरेंट मॉडल है जो सबसे बेस्ट एनर्जी वाला था वो लिया गया है, और बाकी के जो मॉडल्स थे उनमें से जो ये पार्ट्स हैं ये पार्ट्स डिफरेंट ऐड किए गए हैं, तो ये डिफरेंट कलर्स में शो कर रहे हैं सो दैट हम पता लगा सकें कि कौन सा हमारा मॉडल मेन है और कौन से दूसरे पार्ट्स इसमें ऐड किए गए हैं। देख लेते हैं, ये देखिए तो ये रिपोर्ट बनकर आती है, ये सारा होमोलॉजी मॉडलिंग रिपोर्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन क्यों? क्योंकि हमारा फाइल नेम ही प्रोटीन है, तो फाइल नेम के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास ये होमोलॉजी मॉडलिंग रिपोर्ट बन गई है। सबसे ऊपर हमारे पास टारगेट सीक्वेंस जो हमने दिया है वो है, फिर उसके बाद हमने जो पैरामीटर्स यहाँ पर दिए हैं ये सब पैरामीटर्स आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर HM बिल्ड आपके मैक्रो में जाकर जैसे पहले मैंने बताया था वैसे यहाँ पर आप ये सब चेंज भी कर सकते हैं।
दूसरा इन मॉडलिंग पैरामीटर्स के बाद यहाँ पर होमोलॉजी मॉडलिंग टेम्पलेट्स, जो टेम्पलेट्स ये सारा ने फाइंड आउट किए हैं हमारे टारगेट सीक्वेंस के सबसे हिसाब से, ये सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर। यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन है, टारगेट सीक्वेंस प्रोफाइलिंग है, अलाइनमेंट कैसे कैसे की हुई है, ठीक है। ये तो ये देखिए इनिशियल होमोलॉजी मॉडल, पहला मॉडल होमोलॉजी मॉडल 1 out of 4, टोटल 4 मॉडल्स बनाए गए हैं। पहला मॉडल बेस्ड ऑन टेम्पलेट 5WUQC। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से टेम्पलेट से लेकर के कौन सा मॉडल बनाया गया है, तो उसके पूरे टेम्पलेट की जानकारी भी हमारे पास है। ये हमारे पास लूप इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से लूप हैं, जेड स्कोर कैसा कैसा है, हाफ रिफाइंड मॉडल का, फुल रिफाइंड मॉडल का। आपने देखा होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत सारी रिफाइनमेंट प्रोसेस होती है उसके अंदर, तो आधी रिफाइनमेंट के बाद क्या उसकी वैल्यू है और पूरी रिफाइनमेंट के बाद क्या वैल्यू है, वो सब यहाँ पर है। ये फाइनल मॉडल है और उसका मॉडल क्वालिटी पर रेजिड्यू स्कोर भी यहाँ पर हमें दिया जाता है। जैसा मैंने बताया था इसके अंदर हमारे पास कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की जरूरत नहीं है, इवन फॉर एनालिसिस, पोस्ट मॉडलिंग एनालिसिस के लिए यहाँ पर ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग और दूसरे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं फॉर अ सेकेंड ओपिनियन, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम सेव सिक्स करके अभी रिसेंट वाला है जिसमें प्रोजेक्ट रेट वेरीफाई 3D और रोसा भी है, ऐसे ही बहुत सारे वेरिफिकेशन टूल्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए सेकेंड मॉडल इन्फॉर्मेशन, ऐसे ये थर्ड मॉडल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे फोर्थ मॉडल का इन्फॉर्मेशन, और फाइनली हमारे पास मॉडल की रैंकिंग, कौन से मॉडल की क्या रैंकिंग है। ये देखिए जो ओरिजिनली नंबर 1 मॉडल बनाया गया था उसी का रैंक नंबर 1 है, क्योंकि उसका जेड स्कोर सबसे ज़्यादा अच्छा है। जितना पॉजिटिव जेड स्कोर रहेगा उतना ही क्वालिटी बेटर होगी, हायर द जेड स्कोर हायर द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है हाइब्रिड मॉडल की। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर पहले एक मेन स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया जाता है आउट ऑफ दिस मॉडल्स, मेन मॉडल सेलेक्ट करके उसके बाद उसमें बाकी के जो फर्दर मॉडल्स हैं उसमें से हमें इन्फॉर्मेशन निकाल करके ऐड ऑन की जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रांसफर, फर्स्ट रेजिड्यू कौन सा है, लास्ट रेजिड्यू कौन सा है, लेंथ कितनी है, फ्रॉम मॉडल कौन से मॉडल से लिया है। तो हमारे पास यहाँ नंबर 1 रैंक का ये वाला जो मॉडल है, क्योंकि इसका सेट स्कोर सबसे अच्छा है, तो इसको हमने एज अ बेस मॉडल लिया है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर ने इसको एज अ बेस मॉडल लिया है और बाकी के जो ये पार्ट्स हैं यहाँ पर कौन कौन से पार्ट कौन कौन से मॉडल से लिए गए हैं वो भी है, वो एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है जेड स्कोर के बेसिस पे। तो ये सारा क्या करता है कि एक छोटा सा पार्ट ऐड करेगा, फिर चेक करेगा जेड स्कोर क्या है, जेड स्कोर बेटर होता है तो उसको वो एक्सेप्ट करता है, जेड स्कोर नेगेटिव में और ख़राब होता है तो उस पार्ट को वो रिजेक्ट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टेबल है। उसके बाद फाइनली जो आपके मॉडल की क्वालिटी जेड स्कोर क्या होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायहेड्रल्स पैकिंग 1D पैकिंग 3D, ओवरऑल जो क्वालिटी है उसका जेड स्कोर क्या है वो सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऑप्टिमल हमें जेड स्कोर मिला है, हायर वैल्यूज आर बेटर, नेगेटिव वैल्यूज इंडिकेट दैट होमोलॉजी मॉडल लुक्स वर्स। सो जैसा मैंने बताया जेड स्कोर की जितनी ज़्यादा वैल्यू अच्छी होगी उतना आपका मॉडल अच्छा होगा। ये फाइनल हाइब्रिड मॉडल का स्ट्रक्चर है, इसका मॉडल क्वालिटी स्कोर है। तो ये पूरी रिपोर्ट हमें मिलती है जिस और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह, ये जो यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर हम रिपोर्ट में देख रहे हैं ये भी हमें मिलती हैं। और फाइनली जो हमारे पास PDB स्ट्रक्चर हमारे टारगेट सीक्वेंस का मिलता है 3D होमोलॉजी मॉडल, वो होगा आपका फाइल नेम जो आपने दिया है protein.yob, YOB के नाम से सेव होगा। इसके अंदर PDB नहीं बनता है, PDB हम बनाएंगे। PDB बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यह पर ये वाला जो मॉडल है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ये मॉडल कौन सा है, ये वाला, तो इसको आप, वैसे तो ये हाइब्रिड मॉडल है फाइनल जो बन के आता है, लेकिन अगर कन्फ्यूजन होता है थोड़ा तो इसको यहाँ पे यहाँ से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम फाइल में लोड करेंगे यसारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास यसारा ऑब्जेक्ट ही बन के आया है, तो हम यसारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। हम पर्टिकुलर डिजायर्ड फोल्डर में जाएंगे हमारा वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, पर्टिकुलर वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जाकर हमें सबसे ऊपर फाइल जो मिलती है protein.yob, बस वही फाइल हमें सेलेक्ट करनी है, बाकी कोई भी फाइल हमें सेलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि वो इन बिटवीन द प्रोसेस जो फाइल्स जनरेट हुई हैं वो फाइल्स हैं। लेकिन फाइनल हमारी फाइल protein.yob है, उसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये वही फाइल निकल के आई जो हमने लास्ट वाली सीन पर देखी थी।
GUI पर देखी थी और ये वही फाइल है, कलर कॉम्बिनेशन भी वैसा ही है। तो अब इसको सिंपली हमें PDB में सेव करना है, तो फाइल पर दोबारा से क्लिक करेंगे, सेव एज PDB सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सीक्वेंस में प्रोटीन सेलेक्ट करेंगे, प्रोटीन मतलब यहाँ पर नंबर जो फाइल लोड है उसका नाम है, प्रोटीन सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, पर्टिकुलर डिजायर्ड फोल्डर में जहाँ पर आपको सेव करना है वहाँ पर दोबारा से जाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा ये प्रोसेस थोड़ा लंबा लग सकता है आपको, लेकिन अच्छा है, कन्फ्यूजन नहीं रहती है। तो उसके लिए आप उसी पर्टिकुलर फोल्डर में जाएंगे हम जहाँ पर हमने मॉडलिंग किया है, वहाँ पर जिस भी नाम से हम इसी प्रोटीन नाम से ही सेव कर देते हैं, प्रोटीन डॉट पीडीबी नाम से हम इस प्रोटीन फाइल को सेव कर देंगे, ओके, फिर से क्लीन करेंगे, देखेंगे पीडीबी फाइल आई है या नहीं है। अब लोड पीडीबी, पहले हमने बायोबी लोड किया था, अब हम पीडीबी लोड करेंगे। देखिए हमें उस पर्टिकुलर फोल्डर का पाथ दे दिया हम जहाँ पर हैं, क्योंकि हमने अभी अभी ये फाइल सेव किया है प्रोटीन डॉट पीडीबी, ओके करेंगे, खोलेंगे तो सेम टू सेम हमारे पास ये फाइल बन के आती है। तो ये था पूरा आज का ट्यूटोरियल, हाउ टू डू या सारा होमोलॉजी मॉडलिंग, हाउ टू डू कैसे हम होमोलॉजी मॉडलिंग कर सकते हैं यूजिंग या सारा सूट। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपका धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, कुछ सीखने को नया मिला होगा। धन्यवाद, ओम नमः शिवाय।